हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। दोस्तों, एक अच्छे क्रिटिक्स का काम है मूवी को रिव्यू करना और रेटिंग देना, लेकिन क्या हो अगर वो अपना काम ठीक से ना करे, तो क्या इसके लिए उसको मार देना सही होगा? जी हाँ, आपने सही सुना है। हाल ही में थिएटर्स में एक यूनिक स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी को रिलीज किया गया है, जिस मूवी का नाम है चुप, और आज हम इस मूवी को ही रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.5 स्टार्स, वो तुझे क्या देता है, सोने की घड़ी? दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ये मूवी क्रिटिक्स का क्रिटिक या फिर एक सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है, जो कि बॉलीवुड एक्टर गुरुदत्त का बहुत बड़ा फैन है, जो शहर में क्रिटिक्स का मर्डर किया जा रहा है। और रीज़न है अच्छे मूवी को बुरा रिव्यू देना और रेटिंग देना। हर क्रिटिक्स को मारने के बाद ये सीरियल किलर उनके माथे के ऊपर उन्हीं के दिए हुए स्टार्स के घाव को छोड़ जाता है। सनी देओल इस मूवी के अंदर आपको इस सीरियल किलर को पकड़ते हुए और इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए दिखेंगे, जो कि एक पुलिस का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आखिर ये किलर ऐसा क्यों कर रहा है और उसका मोटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, इस मूवी को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले 5 इनकम और पैडमैन जैसे मूवी को डायरेक्ट किया है, तो आप उनके मूवी डायरेक्शन के बारे में समझ ही चुके होंगे। मूवी के अंदर दलकर सलमान का एक्टिंग अलग ही लेवल का है, वो इस मूवी के जान है। उन्होंने एक सीरियल किलर के कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी है, जिसे देखने में आपको मज़े के साथ साथ डर भी लगेगा। अदर साइड सनी देओल का भी एक्टिंग बहुत बढ़िया है और इम्पैक्टफुल है। बात करें श्रेया धन्वंतरी की, जो दलकर सलमान के लव इंटरेस्ट बने हैं, उनका भी एक्टिंग ठीक ठाक है। और बहुत सालों बाद पूजा भट्ट भी आपको इस मूवी में एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। मूवी के अंदर गुरुदत्त के मूवी के सीन्स और गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है, जिसे देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मूवी के अंदर बहुत सारे ब्रूटल मर्डर सीन्स है, जिसे आप बच्चों के साथ एकदम ही नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मूवी है और आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी टाइप की मूवी बहुत ही